output of given programs. In that case, consulted this program. First of all, इस प्रोग्राम को मेरा वीडियो वॉच करने से जस्ट पहले पहले आपको खुद से नोट डाउन करना चाहिए, देन पहले आप खुद से सेल्फ इसको सॉल्व करोगे. सॉल्व करने के जस्ट बाद देन आप मेरे फाइनल आउटपुट इसको मैच कराओगे. मीन्स किस टाइप से सॉल्व करना है, मीन्स नोट डाउन दिस एंड सॉल्व इट आफ्टर दैट. देन इस केस में कंसोलिडेट करना, मीन्स डायरेक्टली आपको ऐसा लग रहा है लुक्स लाइक इस व्हाइल लूप के अंदर फाउंड किया रहा ओनली सिंगल स्टेटमेंट है या बॉडी पार्ट प्रिंट है. लेकिन अगर इसको प्रॉपरली चेक करो, प्रॉपरली इस केस में व्हाइल लूप टर्मिनेट किस हो ऑलरेडी फर्स्ट सेमी कॉलम. मीन्स रियल में व्हाइल का अभी बॉडी पार्ट कैसा है, कंप्लीटली एम्प्टी बॉडी सेशन, कंप्लीटली एम्प्टी. बिकॉज इस टाइप लूप का टाइप क्या है, डमी लूप्स, क्योंकि बॉडी के अंदर कोई भी स्टेटमेंट फाउंड नहीं हो रहा. नेक्स्ट वन व्हाइल के केस में एक्सप्रेशन सप्लाई किया, सबसे पहले ऑपरेटर्स के प्रायोरिटीज के बेसिस पर एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे. यानी लूप कब तक चलेगा, जब तक कंडीशन ट्रू है. ट्रू मीन्स नॉन जीरो. फर्स्ट वन, इस प्रोग्राम को वन बाई वन सॉल्व करेंगे. सबसे पहले इस केस में अगर लूप मीन्स सिंपली सिक्वेंस मार्क करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इसका बॉडी एम्प्टी है, इसको सिंपली सिक्वेंस मार्क करने के रिगार्डिंग में कंसिडर कर लो लाइक दैट इज द ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ बॉडी एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस. इसलिए फाइनली प्रिंट एप का है आउटसाइड बॉडी ऑफ फाइल. इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट वन. सेकेंड केस, एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर लोकल वेरिएबल ऑफ द प्रोग्राम. इस प्रोग्राम में टोटल टू लोकल वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी. वेरिएबल ए एंड बी आर द इनिशियल वैल्यू ऑफ ए बी. देन नेक्स्ट मीन्स इनिशियली ए और बी दोनों का इनिशियल वैल्यू क्या है, गार्बेज. लेकिन जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल सेकेंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, असाइनमेंट का प्रायोरिटी कैसा होता है, सेम प्रायोरिटी के केस में सॉल्व होगा बेस्ड ऑन एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सबसे पहले राइट मोस्ट असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, जीरो इज असाइन टू द बी. नाउ वैल्यू ऑफ बी बिकम्स जीरो. नेक्स्ट ना बी का वैल्यू किसमें असाइन कराएंगे, इनसाइड ए. बी का वैल्यू ऑलरेडी जीरो, इसलिए ए में भी क्या असाइन हो जाएगा, ऑल्सो जीरो. इसलिए फाइनली दोनों वेरिएबल्स के वैल्यूज क्या हैं, जीरो जीरो. नेक्स्ट में इस कंडीशन को टेस्ट करेंगे, कंडीशन सेपरेट प्लेस पर राइट करेंगे, जस्ट सेक ऑफ कंप्लीशन. ए इक्वल्स टू वी प्लस प्लस लेस देन इक्वल्स टू टू. काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है. इस केस में हाइएस्ट पर असाइनमेंट एक्सप्रेशन, असाइनमेंट में परफॉर्म क्या होता है, परफॉर्म ऑल प्री देन असाइनमेंट देन पोस्ट ऑपरेशन. देन फाइनली बी प्लस प्लस का टाइप क्या, पोस्ट. पोस्ट है तो इस केस में परफॉर्म क्या होगा, सबसे पहले पोस्ट है तो पहले बी के प्लेस पर बी का वैल्यू रिप्लेस कराएं. बी का करंट वैल्यू जीरो, इसलिए रिप्लेस क्या करेंगे, जीरो. देन लेस देन इक्वल्स टू टू. कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन इज ट्रू. ट्रू है रिलेशन ट्रू, इसलिए रिटर्न क्या होगा, इसे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा, वन. वन इज असाइन टू द वेरिएबल ए. ए में वन असाइन होने के जस्ट बाद अप्लाई क्या करें, पोस्ट इंक्रीमेंट. पोस्ट इंक्रीमेंट होगा तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑल्सो वन. नेक्स्ट वन फाइनली फर्स्ट केस सॉल्व करने, जब इससे एक्सप्रेशन का रिजल्ट सॉल्व हो जाएगा, रिजल्ट आसान किस होगा, ए में. ए का वैल्यू वन है, इसलिए फाइनली व्हाइल लूप के अंदर से एक्सप्रेशन के प्लेस पर ओवरऑल रिप्लेस क्या हुआ, रिजल्ट. मीन्स फाइनली से एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आसान हुआ, इस प्लेस पर वन. वन इज असाइन टू द वेरिएबल ए. ए में वन असाइन करने के जस्ट बाद अब क्या बचेगा, इस प्लेस पर ओनली ए. ए का वैल्यू वन है, इसलिए फाइनली ए के प्लेस पर भी क्या रिप्लेस करेंगे, वन. मीन्स कंडीशन इज ट्रू. कंडीशन ट्रू है देन कंट्रोल सेंड करें, मीन्स थ्री. सिक्वेंस इज फोर. सिक्वेंस इज बॉडी पार्ट मीन्स फाइव. इसका फिर से फिफ्थ सिक्वेंस एग्जीक्यूट होने जस्ट बाद कंट्रोल अगेन सेंड होगा टू द कंडीशनल सेशन. कंडीशन अगेन क्या है इसके, इसमें ए इक्वल्स टू बी प्लस प्लस लेस देन इक्वल्स टू टू. अगेन टेस्ट करें फिर से सेम मैनर्स में. सेम मैनर्स के केस में परफॉर्म क्या कराएंगे, सबसे पहले पोस्ट बी का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है, वन. देन रिप्लेस क्या कराएंगे, वन. पोस्ट इंक्रीमेंट और बी की वैल्यू बाद में असाइनमेंट के बाद क्या हो जाएगी, फाइंड इट टू. लेकिन कंपेरिजन कराएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, वन. इसका मीनिंग सॉरी कंपेरिजन कराएं रिजल्ट क्या है, अगेन वन. इसका मीनिंग क्या हुआ, अगेन ए इक्वल्स टू वन. तो ये में फिर से क्या असाइन हो जाएगा, अगेन वैल्यू ऑफ ए बिकम्स अगेन वन. देन ये में वन असाइन होने के बाद फाइनली इस प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, वैल्यू ऑफ ए. और ए का वैल्यू अभी भी क्या फाउंड हो रहा है, वन. इसलिए कंडीशन कैसा, ट्रू. ट्रू है देन इस केस में बॉडी सेशन एग्जीक्यूट हो जाए, सेवंथ केस. देन अगेन एट्थ केस में क्या होगा, कंडीशन टेस्टिंग. फिर से कंडीशन टेस्ट कराएंगे, पोस्ट बी का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है, टू. टू लेस देन इक्वल टू टू. बी में इंक्रीमेंट होगा, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, थ्री. टू लेस देन टू, कंडीशन इज ट्रू. ट्रू अगेन ए में क्या साइन होगा, वन. देन ए के प्लेस पर ए का वैल्यू रिप्लेस कराएंगे, ए का वैल्यू वन है, कंडीशन अगेन ट्रू.
ट्रू है तो फिर से कंट्रोल सेंड करें इनसाइड बॉडी ऑफ व्हाइल, देन व्हाइल का बॉडी सेशन एग्जीक्यूट करने के जस्ट बाद कंट्रोल सेंड करें हेडर ऑफ द लूप 10। हेडर के केस में अगेन कंडीशन टेस्ट कराएंगे, कंडीशंस के केस में क्या पोस्ट बी का वैल्यू क्या 3, रिप्लेस क्या कराएंगे इस प्लेस पर 3 रिप्लेस होने के बाद फाइनली जब बी में इंक्रीमेंट होगा तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 लेस देन इक्वल्स टू 2। कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 0। नाउ 0 इज असाइन टू द वेरिएबल ए, इस बार ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 प्लस असाइनमेंट होने के बाद ए के प्लेस पर रिप्लेस कराएंगे वैल्यू ऑफ ए, और ए का वैल्यू 0 इसलिए रिप्लेस क्या हुआ 0। 0 मीन्स कंडीशन बिकम फॉल्स, फॉल्स है देन कंट्रोल सेंड हुआ आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप। सिक्वेंस क्या 10 के बाद 11 सिक्वेंस में परफॉर्म क्या हुआ प्रिंट एफ स्टेटमेंट डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू ऑफ ए बी, फाइनली ए का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा 0 और बी का वैल्यू 4, उसका आउटपुट डिस्प्ले हुआ दिस इज द फाइनल आउटपुट और रिजल्ट 4 एंड सॉरी ए का वैल्यू क्या है इस केस में 0 एंड वैल्यू ऑफ बी बिकम्स 4, दिस इज द फाइनल रिजल्ट।